आज का रेसिपी है पीच जूस। पीच वही जिसे हम आड़ू भी कहते हैं और ये सीजनल फ्रूट है और सांभर में मिलता है। तो सबसे पहले आपको पीच लेना है। मैंने 1 ग्लास जूस के लिए 4 पीच का यूज़ किया है। सबसे पहले हम इसकी आउटर लेयर को पेल कर लेते हैं और इस तरीके से आपको धीरे धीरे पूरा लेयर्स को पील कर लेना है। बट बिफोर पीलिंग आपको ध्यान रखना है कि आड़ू को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद ही पील करना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक एक करके जितने भी आड़ू मैंने लिए हुए हैं उन सबको पील कर लूँगी और उसके बाद हमें उसको कट भी करना है। आड़ू सेहत में बहुत अच्छा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी, प्लस फ्रूट्स है एंड टेस्टी तो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास आड़ू लेके आए हैं आप अगर इस समर में, तो डेफिनेटली आप ये डिश ज़रूर ट्राई करें। और मैं सच बोलूँगी इसमें बहुत रिफ्रेशिंग है। तो हमने पील करने के बाद इसको अच्छे से कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें सीड निकाल लेना है और इसको मैंने ग्राइंडर में 2 स्पून शुगर ऐड करने के साथ थोड़ा सा वाटर ऐड करके अच्छे से पीस लिया है, प्रॉपर अच्छे तरीके से एक पेस्ट बना लें। उसके बाद सिंपल है, आपको इसमें थोड़ा वाटर मिक्स करना है और उसके बाद आपको एक जार में इसको लेना है। आप चाहिए तो इसको जूस निकालने के बाद फ्रिज में रख सकते हैं या आप आइस क्यूब ऐड करने के बाद इसको ठंडा ठंडा पीच जूस पी सकते हैं।